हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने इसकी वर्कशीट नंबर 1 कर लिया, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 2। आपने इससे पहले वाली जो वर्कशीट थी उसमें आपने देखा था कि जो भी आपको क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया गया था उसमें आपको उसकी ये मैंने रफ स्केच बनाया हुआ है, देखो उसमें आपको क्या दिया था, क्वाड्रिलेटरल की 1 2 3 4 फोर साइड्स और 1 डायगनल दिया हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया हमारे पास इस वर्कशीट में। अब के बार हमें देखो क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी डी 3.5 सेंटीमीटर एंड डायगनल्स आर ए सी 6 सेंटीमीटर एंड बी डी 5.5 सेंटीमीटर। मतलब इससे पहले वाली वर्कशीट में एक डायगनल दिया गया था लेकिन यहाँ पर कितने डायगनल दिए गए हैं, 2 डायगनल, 1 2। तो मैंने यहाँ पर रफ स्केच बनाया, ए बी सी डी था तो मैंने यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया ए बी सी डी, दोनों डायगनल ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया। ए बी दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, सी डी है 3.5 सेंटीमीटर, ए टू सी 6 सेंटीमीटर एंड बी टू डी 5.5 सेंटीमीटर। पहले हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। अब आप ये देखो कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें कितने यहाँ पर कितने चीज़ें दी हुई होनी चाहिए, तो पहले वाली वर्कशीट में हमें 4 साइड्स दी हुई थी और 1 डायगनल, मतलब 5 हमें तो एलिमेंट तो जरूर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 3 साइड दिए हुए हैं और 2 डायगनल, तो टोटल वही हो गए। ठीक है, तो 5 हमें 5 चीज़ें हमें जरूर चाहिए अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को बनाना है। सो द नंबर ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इज 5। ठीक है, हमें 5 पार्ट्स चाहिए किसी क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले वाली वर्कशीट में हम 7 के 7 रफ स्केच बना रहे थे लेकिन उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो आज इस वाली वर्कशीट में मैंने रफ स्केच पहले ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए, रफ स्केच में देख कर हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डायगनल ए सी ड्रॉ करना पड़ेगा जो हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 7 के 7 आपको बताती चलूंगी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है सी और ये आपकी इसकी मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमारी एक ट्राइंगल कंप्लीट हो रही है। ये है 4 सेंटीमीटर और ये है आपका 3 सेंटीमीटर। तो ए से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे बी तक 4 सेंटीमीटर। अपनी कंपस लेंगे, पहले हमें ए टू बी 4 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ करनी है, तो हम अपने स्केल से 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, हमने 4 सेंटीमीटर ओपन किया है। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ किया है। अब सी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ सी पर रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देखें, जब हमने ड्रॉ किया तो हमारी दोनों अलग अलग हैं, मीट नहीं हो रही हैं, तो हमें 4 सेंटीमीटर वाले आर्क को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से अपने 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेती हूँ, इसको हम नीचे तक ले आएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट बी। ये जो जिस पॉइंट पर मिले, ये हमारा पॉइंट कौन सा आया है, बी। तो हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए बी एंड सी बी। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ, हम वही सेम लिखेंगे भी, ज्वाइन ए बी एंड सी बी, सी बी और बी सी सेम है। तो यहाँ पर ये है हमारा 4 सेंटीमीटर
और ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे ऊपर वाले ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब आप यहाँ से देखो, एक तो मेरे पास बी से डी तक कितना दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर और सी से डी दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले मैं सी से नीचे की तरफ, ए सी से नीचे की तरफ 3.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करूँगी। तो हम स्केल की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये हो गया 3.5। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है। अब बी से डी हमें दिया हुआ 5.5 सेंटीमीटर, तो हम 5.5 सेंटीमीटर अपनी कंपस ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट बी, बी पर हमने अपनी कंपस रखी है, देखो। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट डी। ये डी पॉइंट पर मिल जाएंगी। अब आप ये देखो, मैंने सी से डी लिया था 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको मिला देती हूँ यहाँ, ज्वाइन सी डी। ये है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद बी और डी को भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि डायगनल दिया हुआ है। डायगनल की वैल्यू हमारे पास थी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ से देखो, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट तो आ गए, लेकिन हमारे पास ये जो इसका फोर्थ साइड है क्वाड्रिलेटरल की, वो नहीं मिली अभी। तो लास्ट में हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन डी ए और ए डी, एक ही बात है, ए डी लिख दो या डी ए लिख दो, ज्वाइन ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट हो गया है। ए बी सी डी इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अभी मैं आपको यहाँ पर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। ये है आपके, हाँ जी, जो हमने अभी भी क्वेश्चन बनाया है, ये उसी के आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप इसकी हेल्प, जैसे जैसे मैंने लिखवाया है, जैसे जैसे ड्रॉ किया, उसी टाइप से मैंने इनको साथ के साथ लिखा है। ये आप इसकी हेल्प से अपना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमारे पास दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो मैंने यहाँ पर एक ये रफ स्केच ड्रॉ किया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इन विच ए बी एंड बी सी बोथ आर 5 सेंटीमीटर। तो मैंने ए बी के ऊपर भी लिखा है 5 सेंटीमीटर और बी सी के ऊपर भी मैंने लिखा है 5 सेंटीमीटर। सी डी 6 सेंटीमीटर, सी से डी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड डायगनल्स आर 7 सेंटीमीटर ईच। दोनों ही बी से डी भी आपका 7 सेंटीमीटर है और ए से सी भी कितना है 7 सेंटीमीटर। देखो, अगर आप अपना रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हो तो उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट इजी हो जाता है, क्योंकि हमें इसमें से देख देख के ही बनाना है। विदाउट रफ स्केच बनाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम करेंगे ए सी आपके पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी 7 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ के साथ भी लिख सकते हो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके ऊपर हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले अपनी ऊपर वाली ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास ए टू बी 5 सेंटीमीटर है, तो हम अपनी कंपस को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो, सी से बी भी 5 सेंटीमीटर है। फ्रॉम, अब हमें कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये 5 ही पहले से ओपन है। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट बी। ठीक है, अब ज्वाइन करेंगे ए को बी से और सी को बी से, ज्वाइन ए बी एंड सी बी, ज्वाइन ए बी एंड सी बी। ज्वाइन ए बी एंड सी बी, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास सी से डी दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट सी
ड्रो एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब बी से डी, ये भी हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चाहें तो आप अपने देखो, आपका ये 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है, या तो इससे कर लो या स्केल की हेल्प लेके कर लो। फ्रॉम पॉइंट बी, अब हमारे पास बी टू डी है, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रो एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दोनों आर्क थी वो हमारी कहाँ पर मिल गई है, यहाँ पर, इस पॉइंट का नेम है डी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है, अभी थोड़ा रहता है वो करवाऊँगी, वो क्या करते हैं, ड्रो करने के बाद ये जो आर्क होती है इनको इरेज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, यही तो मेन चीज़ है जो आपको दिखानी है, आर्क को इरेज नहीं करना है। अब उसके बाद देखो, हम ज्वाइन करेंगे सी को डी से, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन सी डी, बी डी एंड ए डी, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसमें लिख देंगे मेजरमेंट, ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाला डायगोनल भी आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इसकी हेल्प से आप अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें। अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच 3 sides आर 4 सेंटीमीटर ईच एंड बोथ डायगनल्स आर 6 सेंटीमीटर ईच। अभी इन्होंने क्या बोला है, आपको एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें 3 sides, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ऑन बोथ डायगनल बी टू डी ये भी 6 सेंटीमीटर है एंड ए टू सी ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम हर बार आप ये सी डी यहाँ पर इसी को ही 4 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हो, क्योंकि उन्होंने बोला 3 sides, तो आप चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, इसको छोड़ देना, कंस्ट्रक्शन सेम चलेगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक जिस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, आपको हम वैसे ही करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ से देखिए, रफ स्केच की हेल्प से मैं सबसे पहले मैं डायगनल ड्रॉ करना है ए सी 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी ऑफ 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें, ए से बी हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है और सी टू बी भी हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम 4 सेंटीमीटर अपनी कंपस ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रो एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट सी ड्रो अनदर आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, बोथ आर्क मीट एट पॉइंट बी। ये जो दोनों आर्क है हमारी, ये बी पॉइंट पर मिलेंगी। अब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए बी एंड सी बी, ज्वाइन ए बी एंड सी बी, इस मेजरमेंट राइट करेंगे, ये है 4 सेंटीमीटर और ये भी है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखें, सी से डी हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हमें अब कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी कंपस पहले से ही 4 सेंटीमीटर ही ओपन है। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रो एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर बिलो साइड ऑफ ए सी। अब हमें दिया हुआ है बी टू डी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, अब हमें 6 सेंटीमीटर कंपस ओपन करनी पड़ेगी। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रो एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, बोथ आर्क मीट एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर मिल गए। अब इस डी पॉइंट को हम कहाँ कहाँ मिलाएंगे, ज्वाइन सी डी, बी डी डायगनल बी डी एंड ए डी,
ठीक है, हमने इनको मिला दिया। अब हम इसकी मेज़रमेंट राइट कर देंगे, जो भी जितना दिया हुआ है। सी टू डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर एंड बी टू डी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप इनकी हेल्प से अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में डाउट होता तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस वर्कशीट में। 6, अगर आपको एक क्वेश्चन भी आएगा तो आप 6 के 6 क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MNR एंड S विद साइड MN इज 5.5 सेंटीमीटर, NR 6 सेंटीमीटर, RS 6.5 सेंटीमीटर एंड डायगनल MR इज 8 सेंटीमीटर एंड NS इज 7.5 सेंटीमीटर। सेम वही दिया गया है। देखो कितने कंपोनेंट दिए गए हमें, 1, 2, 3 साइड दी गई हैं एंड 2 डायगनल्स। सेम वही स्टेप्स चलेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट MR 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज R। ड्रॉ लाइन सेगमेंट MR 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट M, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले अपने कंपास को 5.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट M, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट R, आपके बार आर पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट आर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट एन। एक चीज और, जब आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करें, जब आप आर्क को एम आर से ऊपर लिख रहे हैं तो आप लिखोगे अबव साइड ऑफ एम आर, जब आप आर्क नीचे लगा रहे हो तो आप लिखोगे बिलो साइड ऑफ एम आर, इसका ध्यान रखना है। अब हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन एम एन एंड आर एन एम एन इज 5.5 सेंटीमीटर एंड एन आर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आर टू एस ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। तो हम अपने पहले कंपास ओपन करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट आर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। देखिए मेरे लिए यहाँ पर नीचे शायद आपको लग रहा होगा कि मेरे लिए आर्क लगानी थोड़ी मुश्किल है, तो आप जब अपने कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो आप अपने पेपर को ऐसे रोटेट कर लेना, घुमा लेना, जिससे आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। पेपर को तो आप कैसे भी घुमा सकते हो, लेकिन मुझे वीडियो में आपको सीधा दिखाना है, इस वजह से मैं पेपर को घुमा नहीं रही हूँ। फ्रॉम पॉइंट आर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास देखो डायगनल दिया गया है NS 7.5 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपास को 7.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट N ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से देखें, ये वैसे तो मीट हो गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे, यह आपका बोथ आर्क मीट एट पॉइंट एस, ज्वाइन आर एस एन एस एंड एम एस। मेजरमेंट राइट करेंगे, आर एस इज 6.5 सेंटीमीटर एंड डायगनल एन एस इज 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम मैं आपको क्वेश्चन नंबर
फोर के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखा देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर फोर के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ से राइट करें। ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी भी किया है। इसमें हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, सी डी 4.5 सेंटीमीटर, डायगनल ए सी 6 सेंटीमीटर दिया गया है और डायगनल बी डी आपको 6.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई थी इसकी हेल्प से हमने एक रफ स्केच ड्रॉ किया है। अब रफ स्केच की हेल्प से हम फेयर स्केच ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना डायगनल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ डायगनल ए सी ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से ए टू बी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कंपास ओपन करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर कर लेंगे। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, बोथ आर्क मीट एट पॉइंट बी, जॉइन ए बी, जॉइन ए बी एंड सी बी, ठीक है, जॉइन हो गया। अब इनकी मेजरमेंट राइट कर देंगे। ए बी इज 4.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 4 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे सी डी 4.5 सेंटीमीटर। तो अपनी कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर बिलो साइड ऑफ ए सी, सी पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो हमने ये सारा यूज़ कर लिया 4.5, 4, 6 और 4.5, सिर्फ एक डायगनल बी डी रह गया 6.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 6.5 ओपन करेंगे। 6.5 सेंटीमीटर हमने ओपन किया। अब कौन से पॉइंट पे, देखो बी टू डी दिया है तो बी पॉइंट पर रखेंगे। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर बिलो साइड ऑफ ए सी, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, बोथ आर्क मीट एट पॉइंट डी। अब ज्वाइन करेंगे सी को डी से, ज्वाइन सी डी बी डी एंड ए डी। मेजरमेंट राइट करेंगे सी डी इज 4.5 सेंटीमीटर एंड बी डी इज 6.5 सेंटीमीटर, ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट हो गया। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। मैंने ये पहले से ही लिख के रखे हुए हैं जिसे थोड़ा सा हमारा काम जल्दी हो जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आप इसकी हेल्प से अपना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का पार्ट कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर सिक्स। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल आपको ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें देखो ए बी, ये वही आ गया ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। ए टू बी 5 सेंटीमीटर है, बी टू सी 4 सेंटीमीटर, सी टू डी 5 सेंटीमीटर एंड डायगनल बी डी ए सी 6.5। बोथ डायगनल, ये भी 6.5 है और ये भी 6.5 है। ये हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर अब हम फेयर स्केच ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है, इसका डायगनल दिया गया है ए सी 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ डायगनल
एसी ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, ए सी 6.5 सेंटीमीटर। अब आप यहां से देखिए, अब ए से बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहां पर पहले अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, अब यहां से सी से बी हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो हम अपनी 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट बी, ज्वाइन ए बी, ए को बी से ज्वाइन करेंगे और सी को बी से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से देखिए, ए से बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बी से सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सी से डी सी से डी साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर अपना ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, अब हमारे सिर्फ ये डायगनल रह गया बी डी 6.5 सेंटीमीटर, तो कंपास ओपन करेंगे 6.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, बोथ आर्क मीट एट पॉइंट डी, तो हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन सी डी बी डी एंड ए डी, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है सी डी, और बी से डी हमारा है 6.5 सेंटीमीटर। ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। यहाँ इसकी हेल्प से आप अपना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर आपका क्लास 8th चैप्टर नंबर 12 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है, जिसमें आपको 3 साइड्स और 2 डायगनल देके आपको कुछ 6 क्वेश्चन दिए गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।